हेलो इंजीनियर्स, आज मैं और आ गया हूँ आपके साथ लाइव। आज मैं आपके आपके लिए जो लेके आया हूँ टेस्ट, उस टेस्ट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट हम लोग आज देखने वाले हैं। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है। आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट और इसके बारे में पूरा हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आपका काम है जो आप यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, आप लाइव यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो कॉपी पेन निकाल के पहले ही बैठ जाइए। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ, दो IAS कोड के बारे में आपको बताने वाला हूँ और टेस्ट के प्रोसीजर जो है आप जरूर से लिख के रखेंगे यहाँ पे। तो आपको क्या होगा, इस वीडियो को बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा और जो है आप जो है उस कॉपी को रिवाइज करके ही क्या कर सकते हैं, पूरे टेस्ट प्रोसीजर को समझ सकते हैं और ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ एकदम आपसे आप उसको करिए। और जितने भी लोग जुड़े हुए हमारे साथ में, सब लोग यार लाइक कर दीजिए अगर हमारा प्रयास ही आपको अच्छा लगता है। तो और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जिसको लेके हम लोग आने वाले हैं डेली, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो इसके लिए जो IAS कोड हम लोग फॉलो करने वाले हैं वो IAS कोड है अपना IAS कोड 4031 पार्ट 3 1988। तो ये IAS कोड मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं, ठीक है, कि कहां पे क्या चीज दी हुई है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना आप लोग, ये प्रॉब्लम आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, ठीक है। ये जो कंक्रीट को रोड में देखना है, यहाँ पे कुछ ऐसे बल्जिंग टाइप का हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे रोड पे आप लोग इस तरह का प्रॉब्लम्स आप लोग देखेंगे। ये इमेज आप लोग अच्छे से देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर ये चीज़ को मैं आपसे रिलेट करने वाला हूँ कि ये साउंडनेस टेस्ट जो है सीमेंट का, उससे कैसे रिलेट इसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये इमेज जो आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे हो रहा है एक्सपैंड, कंक्रीट का एक्सपेंशन हो रहा है और कंक्रीट के एक्सपेंशन की वजह से ये जो कंक्रीट जो स्ट्रक्चर्स है इसमें फेलियर आपको देखने को मिल रहा है। आप बहुत बार ऐसा सुने होंगे जैसे कि स्लैब में कास्टिंग होती है और कास्टिंग होते ही आप जब 4 घंटे 5 घंटे बाद या जब साइट पर आप अगला दिन जाते हैं तो आपको कुछ हेयर क्रैक्स दिखने लगते हैं। वो जो क्रैक्स होते हैं ना वो होता है श्रिंकेज की वजह से। लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ये क्रैक्स जो आपको दिख रहे हैं, ये वाला जो क्रैक्स होता है वो होता है एक्सपेंशन की वजह से। आपका जो सीमेंट कंक्रीट है उसमें एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, आपका इस तरीके का फेलियर जो ये देखने को मिलता है। बट अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको पहले ही सीमेंट की क्वालिटी चेक करके रखनी है कि आपका जो सीमेंट जो आप साइट पे यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसी टेस्ट को करने के लिए हम लोग करते हैं साउंडनेस टेस्ट। तो यही साउंडनेस टेस्ट को हमको सीखना है कि कैसे हम लोग करते हैं और क्या इसकी परमिसिबल लिमिट है कौन से सीमेंट के लिए। तो यही हम लोग करने वाले हैं, आपको लैब में भी लेके चलने वाला हूं कि पूरा टेस्ट प्रोसीजर आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले आप लोग सभी लाइक एक बार कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये देखो हमारा लैब का सेटअप है, सिविल गुरुजी का लैबोरेटरी है और आपका स्वागत है इसमें। और सबसे पहले आप आपको लेके चलता हूं मैं सिविल गुरुजी के लैब में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लैब में एंटर कर गए हैं और यहाँ पे सबसे पहला हम लोग जो देखने वाले हैं, सबसे पहले कौन कौन सा इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस टेस्ट को करने के लिए वो हम लोग देखने वाले हैं। एक बात मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, बहुत ही इजी टेस्ट है, एकदम आराम से इसको देखिए और समझिए। जहाँ कहीं भी आपको समझ नहीं आता है तुरंत आप कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो एपरेटस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा ये एपरेटस है, ये है हमारा ली चैटेलियर एपरेटस। यहां पे आप लोग को कुछ स्पेसिफिकेशन इसका बता देता हूं। यहां पे आप लोग ये जो इसका जो टॉप डाया है वो डाया आप लोग देखेंगे, ये वाली डाया, ये इसका टॉप डाया और बॉटम डाया दोनों सेम होता है। और इसका जो ये डायमेंशन होता है ये होता है आपका 30 mm का। तो 30 mm का इसका डायमेंशन होता है। इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो इसकी हाइट भी 30 mm का होता है। अब उसके बाद ये जो यहाँ से निडिल निकली हुई है, यहाँ से इंडिकेटर इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो इंडिकेटर होता है कहीं पे 165 का देखने को मिलता है और IAS कोड आपका 150 mm वहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसका, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे बच रहा है, इसकी जो थिकनेस है ये ब्रास का होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्रास जैसा। और इसका थिकनेस जो होता है ना इसका होता है 0.5 mm। अब यहाँ पे कट जैसा लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये कट जैसा लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा, ये देखो यहाँ पे कट लगा हुआ है, ये वाला मैं जहाँ पे मैंने गोला मारा। तो ये जो कट जो होता है ना ये 0.5 mm होता है मैक्सिमम। और यही वाला जो पार्ट है जब सीमेंट एक्सपैंड करता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। और वही वाला जो एक्सपेंशन होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। चलिए आगे हम लोग दूसरा एपरेटस देखते हैं।
तो ये आपका लीच एटेलियर अपार्टनर्स हो गया। उसके बाद हमको वेइंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, हमको दो ग्लास प्लेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये ग्लास प्लेट है, उसके बाद एक छोटा सा वेट का जरूरत हमको पड़ने वाला है, उसके बाद हम लोग को वर्नियर कैलिपर्स का जरूरत पड़ने वाला है। चाहे तो आप स्केल से अगर मेजर कर सकते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, बट आपके पास अगर डिजिटल वर्नियर होगा तो आप इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो मिलेगी। उसके बाद मोल्ड की जरूरत पड़ेगी, हम लोग सीमेंट को उसमें वेट करेंगे। स्टॉप वॉच की आपको जरूरत पड़ने वाली है, उसके बाद आपको गेजिंग ट्रॉवेल की आपको जरूरत पड़ने वाली है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिस पे हम लोग टेस्ट करने वाले हैं ये है हमारा लीच एटेलियर वाटर बाथ। तो ये लीच एटेलियर वाटर बाथ जो होता है ये आपको जरूरत पड़ने वाली। तो इतनी सारी अपैरेटस है जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए अपने कॉपी पेन लेके, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रोसीजर पे। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा, ठीक है, पूरा प्रोसीजर आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो काम है, हम लोग क्या करने वाले हैं, जो मोल्ड था हमारे पास, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 400 ग्राम सीमेंट हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। 400 ग्राम सीमेंट हम लोग यहाँ पे लेंगे, उसके बाद इसको मिक्स करेंगे हम लोग वाटर से। अब ये यहाँ पे बात आती है कि कितना वाटर हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहला जब मैं लाइव आया था तो आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बताया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि कितना परसेंट हमारा कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो है आया था। तो सारा जो टेस्ट है जितना अभी, जैसे कि आपका हम लोग ने इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम का देखा, कंसिस्टेंसी का देखा, साउंडनेस का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो ये सारी जो टेस्ट है वो डिपेंड करता है हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट के ऊपर, और जो हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ वाटर आता है उसी का हम लोग यहाँ पे 0.78% हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखेगा, वाटर इज टेकन एज 0.7 मल्टीप्लाई पी। अब यहाँ पे पी क्या है इसको ध्यान देना है आपको, यहाँ पे देखिएगा 0.78 पी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये 0.78 पी, अब इसमें पी क्या है, तो पी क्या है हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी परसेंटेज है, जो कि हमने पिछले बार निकाला था 30%, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो है 30% आया था। तो यहाँ पे हम जब निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी 30%, अब हम लोग यहाँ पे साउंडनेस के लिए अगर वाटर कंटेंट निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 0.78 × 30, तो यहाँ पे हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 23.4%। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, 23.4% हम लोग वाटर एड करने वाले हैं, किसका, जो हमने यहाँ पे सैंपल लिया है 400 ग्राम इसका। तो 400 ग्राम का हम लोग निकालेंगे अगर 23.4%, तो ये निकल के आ रही है 93.6 ml या फिर ग्राम, जैसे भी आप बोले। तो उतनी वाटर हमको क्या करना है, यहाँ पे मिलानी है। तो यहाँ पे हम लोग वाटर मिलाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम लोग मोल्ड में फिल करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो लीच एटेलियर एपरेटस है उसमें हम लोग अच्छे से फिल करेंगे ताकि इसमें कुछ एयर गैप्स ना रहे। बहुत बढ़िया तरीके से आपको इसको क्या करना है, फिल करना है। अच्छा, फिल करने से पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना, ये एपरेटस आपको दिख रहा है, इसके बॉटम में आपको ग्लास प्लेट रखना है। इसको अच्छे से आपको क्या करना है, इसको सीमेंट पेस्ट को आपको डालना है वहां पे, और उसके बाद इसके सरफेस को स्मूथ फिनिश करके आपको ये जो वाला ग्लास प्लेट दिख रहा है ना उसको उसके ऊपर डालना है, और उसके ऊपर डालने के बाद एक वेट डालते हैं। आपको आगे प्रोसीजर में ये दिखने वाला है। यहाँ पे देखो, ये जो है हमारा लीच एटेलियर वाटर बाथ है, और हम लोग क्या करने वाले हैं, जो वो जो असेंबली था हमारा, इस असेंबली को क्या करेंगे, पहले ग्लास प्लेट, उसके ऊपर में लीच एटेलियर, उसके ऊपर में फिर से ग्लास प्लेट, और उसके ऊपर में एक वेट रहेगा। ये पूरे असेंबली को हम लोग इस जो वाटर बाथ है इसमें हम लोग डालने वाले हैं 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे के लिए डालेंगे। यहाँ पे देखो, आपको डला हुआ यहाँ पे दिखेगा, देखो कुछ इस तरह से असेंबली रहेगा, ये पानी के अंदर डला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी के अंदर डला हुआ है, और यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है वो 27 °+-2 °C, मतलब 27 का 25 होगा तो चल जाएगा मिनिमम, और 29 होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और कितने देर के लिए रखना है हमको, तो 24 घंटे के लिए इसको हमको यहाँ पे रखनी है, ठीक है। अगला स्टेप यहाँ पे चलेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने के बाद इसका हम लोग मेजरमेंट करेंगे। तो आगे के प्रोसीजर में आपको इसका मेजरमेंट करता हुआ दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, अभी हमने क्या किया, ये जो था पूरा असेंबली, इसको हमने पानी में रखा था 24 घंटे के लिए। उसका जो टेम्परेचर था नॉर्मल टेम्परेचर में हमने रखा हुआ था, रूम टेम्परेचर जो होता है जो हम लोग लेते हैं लैब के लिए, वो 27 °+-2 °C, और इसको हम लोग यहाँ पे लिया है। और ये जो नीडल देख रहा है ना, यहाँ से जो नीडल निकला हुआ है, इसी के बीच का डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं। तो ये हमारा पहला रीडिंग होगा। यहाँ पे देखो, आफ्टर 24 आवर्स टेकन आउट अपैरेटस एंड मेजर द एक्सपेंशन,
इन एपरेटस। तो यहां पे हम लोग क्या कर ली, जैसे कि वहां पे 13 mm आपको दिख रहा था, जैसे कि एक बार और दिखा देता हूं आपको, ठीक है। देखिए इसको जब हमने मेजर किया ये वाला जो डिस्टेंस है, तब ये जो आ रहा है ये 13 mm आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये जो है डाटा हमने लिया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, स्टेप 7 में ये जो हमारा वाटर बाथ दिख रहा है ना, इसमें सेम जो सैंपल है उसी को हम लोग क्या करने वाले, पहले ग्लास प्लेट रहेगा, उसके बाद ऊपर में क्या रहेगा आपका लीच एटेलर एपरेटस रहेगा, उसके ऊपर में फिर से ग्लास रहेगा, और उसके ऊपर में हम लोग क्या रखेंगे, वेट रखेंगे, और इस असेंबली को फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी वाटर बाथ में डालेंगे। यहाँ पे आप लोग को दिखेगा ये वाटर बाथ में हम लोग यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है, ये वाटर बाथ में हमने डाल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग ना, यहाँ से 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर में इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमर्सन रॉड लगा हुआ है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फिटिंग में डाल देते हैं और 25 से 30 मिनट में धीरे 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 गर्म करते हैं और इसको पूरा बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको लेके जाते हैं और वहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है मेंटेन करके रखते हैं 3 घंटे तक लगभग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ अगेन पुट दिस असेंबली इन बॉइलिंग वाटर 25 to 30 minutes एंड कीप द boiling for the 3 hours, ठीक है, the mold should be in the boiled water during this period। तो इसका आपको क्या करना है, पूरे 3 घंटे तक boiling water में आपको इसको रखना है और रखने के बाद इसको निकालना है और निकाल के इसको room temperature में cool करना है और room temperature में cool करने के बाद जब ये normal हो जाएगा तब इसका हम लोग क्या करेंगे, ये जो needle दिख रहा है आपको, इसका फिर से हमको measurement लेना है और इस बार जब measurement लिए तब आया है 15.85, मतलब इसमें कुछ जो है expansion हुआ है आपके सीमेंट में। तो ये पूरा असेंबली दिख रहा था, ये जो वाला कट वाला पार्ट है आपका, यहाँ पे हमारा लीच एटेलियर में जहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कट वाली पार्ट है ये जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये वाला पार्ट जो है क्या होता है, जब सीमेंट में आपका एक्सपेंशन होता है तो ये वाला पार्ट फैलता है और इसके फैलने से क्या होता है, ये जो हमारा निडिल दिख रहा है ना, ये भी एक्सपैंड होता है, ये भी क्या होता है, एक्सपैंड होता है। और यही जो एक्सपेंशन वाला जो वैल्यू है ये हमको मेजर करना होता है इस कैलिपर से और यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, रीडिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रिमूव द मोल्ड फ्रॉम द वाटर एंड अलाउड टू इट कूल एंड रूम टेम्परेचर, मतलब आपको रूम टेम्परेचर तक का इसको ठंडा करना है और उसके बाद आपको दो इंडिकेटर जो हमको दिए हुए हैं उसी को हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद जो आपको डाटा मिल रहा है वो मिल रहा है 15.85, ठीक है। तो ये डाटा आपको मिल रहा है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे, बस इतना ही सा है पूरा हमारा जो भी हमारा प्रोसेस था इतना ही था, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए इस मोहतरमा के पास हम लोग चलते हैं, इनके पास रिपोर्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो IS कोड 4031 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो है रिपोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग दो चीज़ें, यहाँ पे दो रीडिंग हमने लिया हुआ है, एक बार कब लिया था, 24 घंटे तक हमने जब वाटर को रखा हुआ था तो उस समय हमने जो वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री मेंटेन करके रखा था उस समय हमने एक रीडिंग ली थी जिसको हम लोग L1 बोल रहे हैं, वो L1 की वैल्यू कितनी लिए थे हमने, 13 mm। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, फिर से उसी असेंबली को हम लोग 3 घंटे के लिए बॉइलिंग वाटर में रखे थे, तब हमने जब उसको निकाला और कूल किया तब हमने जो मेजरमेंट लिया वो L2 है। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन कितना हुआ ये अगर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन में L2 माइनस L1 करना पड़ेगा, मतलब हमारा यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है बट यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल सही करके दिया हुआ है। यहाँ पे देखो द साउंडनेस ऑफ सीमेंट हमको निकालना है, तो रीडिंग 2 माइनस रीडिंग 1 करना है, रीडिंग 2 हमारा 15.85 आया था और रीडिंग 1 जो है 13 mm आया था, तो ये जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है 2.85 mm निकल के आ रहा है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो 2.85 रीडिंग जो आया हमारा, मतलब एक्सपेंशन जो है सीमेंट का लीच एटेलियर के हिसाब से वो हुआ है 2.85 mm का, तो आपका जो एक्सीडिंग लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपको मैं बता देता हूं, जैसे आपका नॉर्मल सीमेंट है, जैसे आपका OPC PPC हो गया, लो हीट सीमेंट हो गया आपका, इन सारे सीमेंट का जो एक्सपेंशन है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये जो आपका वैल्यू आया है यहाँ पे आपको वैल्यू मैं दिखा देता हूँ, ये जो वैल्यू आया 2.85, ये वैल्यू आपका अगर ज़्यादा नहीं है किससे, 10 mm से, तो आप सेफ हैं, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू जो है आपका रीडिंग 2 माइनस रीडिंग 1 का जो वैल्यू है 10 mm से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, तब आप सही हैं, मतलब आपका सीमेंट जो है वो सही है, ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हो रहा है वहाँ पे, मतलब एक्सपेंशन की जो वैल्यू है बहुत ही कम है, माइनर है, तो आपके स्ट्रक्चर को ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, उसके अलावा जैसे आपका हाई एल्यूमिनियम सीमेंट हो गया और एक आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया, ऐसे सीमेंट में क्या होता है आपकी वैल्यू जो है ये कम होती है, वहाँ पर वैल्यू 5 mm होता है, ठीक है। तो 5 mm से ज़्यादा आपका ये जो वैल्यू है एक्सपेंशन की वो नहीं आनी चाहिए, तब आपका जो सीमेंट है वो सही है।
अब एक चीज बात आती है यहां पे कि अगर आपका जो ये जो एक्सपेंशन के वैल्यू आया है अगर वो 10 mm से ज्यादा आ गया तब क्या होगा, तब आप ये नहीं बोल पाएंगे सीमेंट मैन्युफैक्चरर को कि आपका सीमेंट खराब है, क्योंकि सीमेंट मैन्युफैक्चरर वाला भी IS कोड पढ़ के बैठा हुआ है, वो बोलेगा कि देखो भाई इसे करने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। IS कोड में एक बात और बोला हुआ है रीटेस्टिंग करने के लिए, तो रीटेस्टिंग कैसे करते हैं कमेंट करके बताओ कैसे करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। या अगले लाइव में आपको ये चीज जरूर बताऊंगा कि ये जो हमारा जो है हमने जो लीच एटेलियर से हमने टेस्ट किया उसमें अगर फेल हुआ, अगर एक्सपेंशन 10 mm से ज़्यादा आया तो हम लोग कौन सा टेस्ट करने वाले हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है, कमेंट में जरूर बताइए जिसको पता है, ठीक है। तो इंजीनियर्स ये था हमारा पूरा, मैं आपको एक बार डाटा टेबल एक बार और दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको पूरा कैलकुलेशन यहां पे समझ में आ जाए। मैंने PPT में पूरा यहां पे लिख रखा हुआ था रिपोर्ट बना के आपके लिए, तो यहां पे आप देख सकते हैं पूरा हमारा रीडिंग वन, जैसे कि यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी था वो 30% था, 24 घंटे तक हमने नॉर्मल वाटर में रखा था तो हमारा जो आया था डाटा वो आया था 13 mm, उसके बाद हमने बॉइलिंग वाटर में 3 घंटे तक रखा था, फिर एक्सपेंशन हमने मेजर किया तो ये आया था 15.85। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा 2.85, तो ये आपका आ रहा है, ठीक है। तो इंजीनियर्स ये था हमारा साउंडनेस टेस्ट, बहुत ईजी था, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल के बाद गुरुजी के साथ और मिलेंगे और दूसरे टेस्ट को लेकर। तो जय हिंद जय भारत।